खाना भी जरूरी है। लो खाना खाओ।
अरे भाग्यवान सुनती हो क्या? अरे बाबा सुन ही तो रही हूँ, कभी आपके बेटे की और कभी आपकी। बोलिए। मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपका टिफिन पैक कर दिया है, आप चले जाइए। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा और मुझे भी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा पाएगा। माँ तुम कितनी अच्छी हो, मेरी सारी जरूरतों का कितना ध्यान रखती हो। बेटा बुढ़ापे में तुम भी मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखोगे? हाँ माँ, बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है, देव देखे तेरी सूरत। माँ माँ मेरी नौकरी लग गई। क्या बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। एक माँ बाप अपने बच्चे से चाहते ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कामयाबी। लेकिन माँ मेरी नौकरी शहर से बाहर लगी है। कोई नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जाओ पैकिंग कर। ठीक है माँ। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। पर ये तो खुशी का मौका है। लेकिन कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उसकी नजरों के सामने से दूर हो जाए। लेकिन अगर कामयाबी के लिए कुछ खोना पड़े तो उसमें क्या हर्ज है? ये तो सही है। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। ठीक है पिताजी। पिताजी जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। पिताजी जाब नौकरी करनी। ठीक है पिताजी। जैसा कि आपने देखा कि माता पिता ने अपने बच्चे की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि वह आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आइए देखते हैं कि बच्चा अपने माता पिता के साथ क्या करता है। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। मैं अभी राज को फोन करती हूँ। हेलो हेलो राज, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ मैं ट्रेनिंग में बहुत बिजी हूँ। मैं मेरे दोस्त से कह के हॉस्पिटल में सारा इंतजाम करवा देता हूँ। लेकिन बेटा बेटा सुनो, काट दिया। आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर देखिए राज के पापा को क्या हुआ। आइए मैं दिखाइए। मुझे माफ कीजिए माँ जी, पर मैं इन्हें नहीं बचा पाई। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं कुछ कर सकती। हेलो क्या आप राज बोल रही हैं? जी हाँ, मुझे आपको एक अफसोस भरी खबर देनी है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। आपकी माँ इस हालत में नहीं है कि वो आपसे बात कर सके। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि राज के पिता की मौत हो जाती है, वह एक महीने बाद अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। आइए देखते हैं अब कहानी में क्या होता है। माँ ये क्या हो गया? बेटा मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारे पास अपने माँ बाप के लिए टाइम ही कहाँ था। माँ मैं ट्रेनिंग में बहुत बिजी था। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप से जरूरी तुम्हारी ट्रेनिंग है? क्या इसीलिए हमने तुम्हें जन्म दिया कि तुम हमें भूल जाओ? माँ मुझसे गलती होगी।
ठीक है बेटा, एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। कुछ दिन बाद देखते हैं कि बेटा राज क्या करता है। माँ, मैंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली और मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे उससे शादी करने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। बेटा, अगर तुमने ये सोच ही लिया है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो अब? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है माँ। ये दिव्या है। लो बेटा, ये हमारे खानदानी का सदा खुश रहो। ठीक है माँ। माँ, दिव्या कहाँ है? माँ, बेटा वो अंदर होगी, तुम उसे बोल लो। दिव्या, क्या हुआ? ये लो मेरी सैलरी, इसमें से घर खर्च और तुम्हारी शॉपिंग के बाद कुछ पैसे बच जाए तो माँ को भी दे देना। क्या इसीलिए हमने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इतना प्यार किया कि बाद में बुढ़ापे में हमें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़े? राज ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। उसकी माँ ने उसे बिना कुछ कहे उसकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ भी कह दिया। अब कुछ साल बाद राज एक बेटे का पिता बन जाता है। आइए देखते हैं कि अब कहानी में आगे क्या होता है। मम्मी आप कहाँ हो? मम्मी जूते पहना दो ना, पहना दो ना मम्मी। दादी जूते पहना दो। लो बेटा, वो कुछ पैसे, कुछ खा लेना। प्यारी दादी, आप तो मेरी मम्मी से भी अच्छी हो। बाय दादी। सुनिए, अब मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरा बेटा मुझे अपनी दादी के साथ रहता है। मैं जा रही हूँ अपने घर। आप भी टूटे से बाहर जाओ, वृद्धाश्रम भेज दो। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। कुछ दिन और बीते चले जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। बहू राज की पत्नी यानी दिव्या अपनी पति राज को ऐसे ही भड़काती रहती है। अब आइए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। राज की माँ यानी कि सुखदेवी की तबीयत ऐसे ही खराब होती चली जाती है। आइए देखते हैं क्या होता आगे कहानी में। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, तुम्हें तो वो क्या है? गिलहरी है माँ वो। तुम्हें तो पता ही है माँ कि मैं तुम्हारा और अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलाता था। बेटा, वो क्या है? गिलहरी है माँ। अब दिव्या भी आ गई, अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। बेटा, वो क्या है? कितनी बार कहूँ माँ, गिलहरी है वो। अब दिव्या भी आ गई, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। बेटा वो क्या है? कितनी बार कहूँ माँ, वो गिलहरी है। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती, हम तुम्हारा ख्याल अब और नहीं रख सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर छोड़ाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो माँ।
क्या नाम है आपकी माँ का? मेरी माँ का सुखदेवी नाम है। ठीक है, आप अपनी माँ का सामान अंदर रखवा दीजिए। ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ एक हफ्ते के लिए आई हूँ, फिर भी मेरा बेटा आके मुझे यहाँ से ले जाएगा। माँ जी सभी अपने माता पिता को यही कहकर यहाँ छोड़ के जाते हैं, लेकिन वापस लेने कोई नहीं आता। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैंने उसको ऐसी परवरिश नहीं दी है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। तुम उसे फोन मिलाओ अभी की अभी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जी माँ जी, ये लीजिए। हेलो 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 बेटा, तुम कब आ रहे हो मुझे लेने? हाँ माँ, मैं आता हूँ अभी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लेकिन बेटा सुनो, मेरे बेटे को कुछ काम है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो मुझे लेने जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है माँ जी, आप अब अंदर जाइए। दिव्या के कहने पर राज अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। 10 दिनों बाद आइए देखते हैं कि राज अपनी माँ को लेने के लिए आता है या नहीं। बेटा, मेरे बेटे के पास फोन कर दो, आज वो जरूर आएगा। जी मैं अभी करती हूँ, ये लीजिए। हेलो बेटा, तुम कब आ रहे हो मुझे लेने? माँ अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे अकेलेपन की दवाई चाहिए। क्या है तुम्हारे पास वो? माँ जी मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। नहीं, मुझे इस दुनिया के जज से मिलना है और उनसे पूछना है, क्या इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा काटनी पड़ती है? मैं आपके लिए डॉक्टर ही बुला के लाती हूँ। मांगो के हर फूल को अपना समझे बागवान, मांगो के हर फूल को अपना समझे भगवान, हर घड़ी करे रखवाली पति पति डाली डाली सींचे भगवान। आइए आगे देखते हैं कि अपराध की जिंदगी में क्या होता है, क्या कहानी नया मोड़ लेती है, आइए देखते हैं। दिव्या, तुमने चुन्नू को तैयार कर दिया? हाँ कर दिया, बस खाना खिला रही हूँ। जल्दी करो, मेरे को स्कूल भी छोड़ के आना है। सुनिए, आप ही ले आना इसको, मुझे घर पे काम है। ठीक है। चुन्नू के स्कूल की छुट्टी होगी होगी, मैं उसे लेने जाती हूँ। पापा आ गए। शुरू कर सकते हैं। चुन्नू, तुम बड़े होके क्या बनोगे? पापा, मैं बड़े होके खूब पढ़ाई करूँगा, फिर अच्छी जॉब करके शादी कर लूँगा, फिर आप दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा, चैन की जिंदगी जीऊंगा। पापा पापा डायरी, ये किसकी डायरी है? पापा, ये दादी की डायरी मुझे अलमारी में मिली थी। ठीक है।
आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे एक पार्क में लेके गई। उसने मुझसे 21 बार एक ही सवाल पूछा, माँ वो क्या है। मैंने उसे 21 बार बताया कि वह एक गिलहरी है। उसने मुझसे बार बार पूछा और मैंने उसे बार बार बताया ये मुझसे क्या हो गया। मेरी माँ ने मेरा बचपन में कितना ख्याल रखा और अब मैं उन्हें भी आश्रम छोड़ाया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी भूल सुधारनी चाहिए। दिव्या क्या हो गया। चलो हम अपनी माँ को लेने वृद्धाश्रम चलते हैं। अभी तो उनसे पीछा छुड़ा, वापस क्यों लेके जाना है। अगर कल को हमारा बच्चा हमें वृद्धाश्रम में छोड़ देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। नहीं, मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश नहीं दी है। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी परवरिश गलत है। मैंने ऐसा कब कहा। चलो मैं तुम्हारी परवरिश दिखाती हूँ। मम्मी पापा आप लड़के भी हो। फिर मैं भी बड़ा होकर अपनी वाइफ को ऐसे ही मारूंगा। देख ली तूने अपनी परवरिश। आज जो हमने हमारे माता पिता के साथ किया है ये उन्हें देख के आगे चल के वैसा ही हमें भी अपने वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। सॉरी हमसे गलती हो गई। चलो माँ जी को वापस लेके आते हैं। चलो मैं मेरी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया था। क्या नाम है आपकी माँ का। मेरी माँ का सुखदेवी। प्यारी दादी माँ आ गए। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोई नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया वही सबसे बड़ी बात है। मैंने तुम दोनों को माफ किया बेटा। तुमने हमें माफ कर दिया, तुम कितनी अच्छी हो। चलो अपने घर चलते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के चट्टान जैसे दुख माँ झेल जाती है लेकिन बेटे से दी गई तकलीफ से माँ टूट जाती है। आप सभी ने हमारा नाटक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमने देखा कि माँ बाप अपने बेटे का किस तरह ख्याल रखते हैं, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, अपनी मन को मारकर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन वही बेटा अगर बुढ़ापे में उन माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाता है तो यह सही है। हमसे ज्यादा आप लोगों को यह अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, हमारे नाटक का मेन मोटो यही है कि आप ये समझे कि अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए ऐसा ही करेगी। थैंक यू। इतना अच्छा प्रोग्राम का इन बच्चों ने, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि स्वर्ग कहाँ है नर्क कहाँ है तो एक ही जवाब मिलेगा, जिस घर में माँ बाप खुश हैं वो स्वर्ग है, वही जहाँ माँ बाप दुखी हैं वो जगह नर्क है। आजकल हम लोग ज्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं,
और अपने पेरेंट्स को भूलते जा रहे हैं अपने कैरियर के चक्कर में। कुछ भी बनिए लेकिन अपने पेरेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। ये कोई भी बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप कुछ भी बन जाओ और लास्ट में आपके पेरेंट्स अकेले रहे। आपकी सारी कमाई बेकार है अगर पेरेंट्स खुश नहीं हुए तो। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इन बच्चों ने, बहुत ही दिल को छू लेने वाला नाटक। एक बार फिर से तालियां चाहूंगा आपको। Again repeating, first Dipanshu, second Sha. Their parents and in-class teacher also invited on stage. Varshai. Please come on to the stage. Class 8B, first Tanu, second Bhumit, third Prachi. Please come on stage. Class in charge and their parents. Sanjay bhai, please come on to the stage. Father of Karthik, please come. 8A and B. Charge, please. Performer be ready, Mannat and Jyoti Group, dance on Pratapi Show. शांति बनाए रखिए दिल काम कर इनकी परफॉर्मेंस का मजा लीजिए। बहुत मेहनत की है बच्चों ने और साथ में गा भी सकते हो आप। किसी का मन करे तो डांस भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है।
बॉलीवुड परफॉर्मेंस में तो ये कहूँगा बिंदास परफॉर्मेंस, लेकिन आपकी तालियां उतनी बिंदास नहीं है। देख पार जोर लगाने नहीं बच्चों के लिए। Again, I'm repeating, Poonam, Dipanshi, Taniksha, Lakshya. Their parents and in charge class teacher, please come on stage. Pooja, Poonam, Dipanshi, Taniksha, Lakshya. कोई इनका अभिभावक पीछे आया हुआ तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। बोबीना मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारी टीचर भी है और पेरेंट्स भी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। निशा कविता अबाउ 95% है ये। निशा कविता एंड अबाउ 90% हिमांशु मन्नत पलक रॉकी धीरेन। अगेन रिपीटिंग, हिमांशु मन्नत पलक रॉकी धीरेन। क्लास इंचार्ज एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो इन्वाइटेड। सब जी कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। स्टूडेंट जो पिछले साल इधर से पास आउट हो गए उन बच्चों के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं दोस्त, लीक पर तो सभी चल लेते हैं दोस्त, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, ना मन में कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी जमेले हैं। इसी के साथ उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा मैं।
में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। ऐसी परफॉर्मेंस आसपास के लगभग 20 स्कूलों में नहीं है हमारे गांव के आसपास। मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में कुछ कहें। और आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चे, और मेरी तरफ से सभी पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामना। आपने अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ पधारे और बच्चों का उत्साह वर्धन किया, इसके लिए मैं आपका, मैं और मेरा स्टाफ आभारी। अब मैं आपको थोड़ा सा 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये आपका स्कूल है, लगभग 50 साल से आपके सेवा में समर्पित है और आप लोगों के सहयोग से ही हम इसको निरंतर आगे बढ़ा पा रहे हैं। ज्यादा पीछे ना जाते हुए मैं पिछले 3 सालों का कुछ 10th का रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। सन 2020-21 के सेशन में हमारे स्कूल से 18 बच्चे मेरिट में आए, बोर्ड की मेरिट में। फिर सेशन 2021-22 में उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई और पिछले साल हमारे 34 बच्चों ने बोर्ड की मेरिट प्राप्त की। उन बच्चों में से 13 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अबव बोर्ड की मेरिट में 90% से ज्यादा प्राप्त किए हैं। उनको हमने आज इनवाइट भी किया है, तो मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे स्टेज पे आ जाएं, हम उनको कुछ छोटा मोटा प्राइज देके उत्साहित प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ एक और अभी हमने पीछे एक साइंस ओलंपियाड नाम से एग्जाम शुरू हुआ, उसमें भी हमारे बच्चों ने लगभग 100 के करीब बच्चों ने भाग लिया और सभी को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिले। वो बच्चों को आप पेरेंट्स को बता भी होगा, हमने बच्चों को दे दिए थे। अगर वो बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं अपने मेडल्स और सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं, तो वो इन 10th वालों के बच्चों के बाद कृपया वो भी एक बार स्टेज पे आ जाए। 10th के बच्चे प्लीज। और अभी नवीन सर को देता हूँ, कारण वो भी कुछ दो बातें आप टेंथ क्लास के बच्चे, क्योंकि अभी तो 10th का एग्जाम हुआ है, वो तो फर्स्ट सेकंड अगले साल होंगे। पिछले साल जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको हमने बुला रखा है, अब वो 90% प्लीज स्टेज पे आए बच्चे। जोरदार क्लैपिंग भी उन बच्चों के लिए, जोरदार क्लैपिंग बेटा। ये हमारे फॉर्मर स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 से ऊपर लिए हैं, 36 मेरिट है आई एम पिछले साल हमारी, और टॉप बच्चा है 97.2। सोनल है जो हमारी गुड़िया ग्रोप से है, 97.2। हमारे स्कूल में नहीं, हमारे चारों तरफ एरिया में सबसे बेस्ट आई है लड़की भाई, 97.2। स्नेहा 95.2, स्नेहा 95.2। ये दो बच्चे वो हैं जिन्होंने 95 से ऊपर स्कोर किया है। हम तो 33% न तरसा करते, आज 95, 97, और अब की बार टारगेट हमारा हमने रखा था 99 रख रखा टारगेट हमने, और हमें पूरी उम्मीद हमारे 2-3 बच्चों से कि अब की बार 99% जरूर आएंगे हमारे बच्चों के। बस आप लोगों का प्यार मिला रहे हमें, और है ना आप हमारे साथ देते रहे।
भूमिका 93.4, वर्षा 93.4, शुभम 92.4, कंचन 92.4, मुकुल 92.2, नीरज 91.8, विशाखा 91.6, प्रीति 91.4, शशांत 90.8, राखी 90.2 एंड साहिल 89.6 यानी 90%। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जो अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप ही स्टेज पे आए और आप ही इनको मोटिवेट करें। प्लीज जो भी दसवीं क्लास के पेरेंट्स आए हैं प्लीज स्टेज पे आए प्लीज। सो मैडम, इन बच्चों के बारे में दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हैं, कृपया सो मैम प्लीज। ऐसा नहीं है, हम लोग क्वालिटी में विश्वास रखते हैं और साल हर साल हम एक टारगेट बना के रखते हैं कि भी इतने। हमने भी देखा कि है ना हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, आगे क्या कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ बातें। हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ से पास आउट होके गए हैं अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। कोई IIT है, कोई MBBS है, कोई BSc नर्सिंग करने लग रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया है। रजत हरिराम जी का टेक्का पहलवान का पोता IIT इंजीनियर है। IIT इंजीनियर बहुत ही बड़ी वैल्यू चीज है। अपना नीशु हेमन जी का लड़का IIT इंजीनियर है। आकाश बजरंग सर का लड़का IIT इंजीनियर है। नीशु अपनी मनीष जी की लड़की जो रेलवे में है MBBS कर रही है, जो हमारे स्कूल से पास आउट है। हम कई बार सोचते थे हमें एजुकेशन दे रहे हैं आपकी क्या होगा, अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हमारे सामने। IIT इंजीनियर MBBS BSc नर्सिंग में है और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है, कोई नेवी में लगा हुआ है, कोई एयरफोर्स में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार जाएगी, मेहनत जरूर काम आती है। हम विश्वास करते हैं क्वालिटी में। अब हमने देखा 10th क्लास के एग्जाम चल रहे, एक फिल्म भी आई होगी 12th फेल आई है ना, उसमें देखा है ना वो कहता है कि चीटिंग छोड़ दे बेटा। हमारे एक पुरानी व्यवस्था चल रही है चीटिंग की। हम 10th क्लास में गए, हमने पेपर देखे बच्चों के, पेपर दिलाने वाले भी देखे, पेपर देने वाले भी देखे, पर मैं आपको दिल पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ हमारा 1% भी मन नहीं किया कि किसी बच्चे की हम मदद करें। हम ये सोचते हैं ये मदद करना ना हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला कि सर हमारे बच्चों की मदद करना, जैसे हैं वैसे हैं। ऐसे ऐसे देखे मैंने जिनके बच्चे 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ स्कूल के प्रिंसिपल थे और जंगड़ा दसार लाख के बताना गए। क्या ये हमारे जमीर में नहीं आती बातें कि हम गलत कर रहे हैं? क्या ये आगे काम आएंगी बातें? बेटा ये गांठ बांध लो, न कल आगे कभी काम नहीं आएगी। ना मैं इस बात के पक्ष में और ना मैं कभी इस चीज को सपोर्ट करूं। हम गए हर एक एग्जाम में बच्चों के साथ, पर हमने एक चीज की भी उनको सपोर्ट नहीं करी। करेंगे बच्चे, करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये प्रॉमिस दिलाऊंगा और जब तक हूँ क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करूंगा। मैं नकल के पक्ष में नहीं रहूंगा बिल्कुल। जो बच्चे हैं मेरे 100% है, आज भी और कल भी दिखाई देंगे। और बड़ी खुशी हो रखी है मेरे को कि हमारा रिजल्ट आ रहा है आगे आगे। हमारे तैयार किए हुए बच्चे आगे कामयाब हो रहे हैं। IIT इंजीनियर जिनकी हम सब कल्पना करते थे वो है MBBS बच्चे बन रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि है ना हम इस पे खड़े रहेंगे और आप लोग हमारे यहाँ साथ देते रहेंगे। तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा प्लीज इनको बेटा हमारी तरफ से जो बना हमने इनको याद किया हमारी इस मौके पर, और हम चाहते हैं कि हमारे और बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी नहीं भूलेंगे। बीच बीच में ओलंपियाड के टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों के, बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते रहते हैं। जोरदार तालियां मेन बच्चों को।
कहना चाहूंगी, जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, तुम्हारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है आपने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। बच्चे आगे आ जाओ बेटा, बच्चे आगे। दो क्वालिटी आपके पास जुड़वा है, जुड़वा ने दोनों ने ऐसा स्थान प्राप्त किया। देखिए और दो बच्चे तो जोड़ दे भाई, और जोड़ दो के दोनों के 90% इन्होंने साबित किया, तो ये जोड़ दे दोनों के 90% से शांत आई। और एक और बड़ी अनाउंसमेंट है, पिछले साल हुई थी, हमारे जो मेंटोर है बजरंग सर, उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट की थी कि जो बच्चा 95% से ऊपर लेके आएगा उनको उनकी तरफ से 1100 रुपए हर एक बच्चे को इनाम दिया जाएगा। 1100 रुपए 95 से ऊपर, और वो इनाम अभी दिया जाएगा। दो बच्चे हैं जो हमारे 95 से ऊपर हैं, उनको अभी 1100 रुपए का। और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी सुन ले, जो भी बच्चा 95 से ऊपर मार्क्स लेके आएगा उसको 1100 रुपए इनाम स्कूल की तरफ से। जोरदार तालियां। तो कौन कौन लेके आएगा? 9th वाले बच्चे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड भाई, शाबाश। ना हुई 95 से ऊपर वाले बच्चे यहीं पे रहेंगे भाई। जोरदार तालियां। और वो बच्चे खड़े हो रहे जिन्होंने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, अपना अपना मेडल लेके आए हैं, खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पे ही। ये देखो इन बच्चों ने अना ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड और इंग्लिश ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, और ये गोल्ड मेडल मिला इनको ओलंपियाड की तरफ से। चलो अब एक लास्ट प्रोग्राम हमारे बच्चों का, काफी देर से तैयार बैठे हैं बेटा। 9th क्लास निशा ग्रुप ग्रुप लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट प्रोग्राम।
रुकियो एक बार रुकियो रुक जाओ एक बार वहीं पर रुक जाओ। रिपोर्ट कार्ड मैडम क्लास में चलो।